हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिएगा, अभी जो है नेक्स्ट इस घर का नेक्स्ट काम चल रहा है, तो इसमें आता है इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन। काफ़ी मेन रोल है फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन का, भी बहुत ही मेजर रोल है। तो फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन बनाने से पहले आप लोगों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक एक छोटा छोटा चीज़ें, जैसे इसीलिए दोस्तों कभी भी आप घर बांधते देखो, कम से कम एक इंजीनियर को ज़रूर हायर कर लीजिएगा। और हाउस प्लान चाहिए तो हमको कांटेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर 8095615113 पर। और अभी नेक्स्ट आता है इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन। मैं थोड़ा बहुत कुछ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ इस फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन के बारे में, किस तरह से अपन लिया गया बोल के। सो कभी ये पहला प्री प्लान रहना चाहिए, इसलिए फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन छत डालने से पहले आप फ्रंट एलिवेशन लिए समझो, तो आपको भी एक आइडिया मिलता है कौन सा कितना दूरी पर लेना, छत के आगे लेना, नाली के ऊपर लेना, नहीं लेना, वो एक आइडिया आपको मिल जाता है दोस्तों। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लीजिएगा उन चीज़ों का, इन चीज़ों के बारे में। और कुछ आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट एलिवेशन के बारे में अपन पूरा एक्सप्लेन करते हैं। सो देखते हैं, तो एलिवेशन में देख लीजिएगा किस तरह से लिया गया। ये वाला जो चीज़ देख रहे हो, देखो ये ऐसा यल शेप में आ रहा, पर ये अपन क्या किए थे, एक फिट आगे लिया गया, नाली के ऊपर आया, मतलब ऑलमोस्ट हमारे जगह पे है समझो। ये एक फिट आगे लिया तो एक डब्बा फ्रेम बन जाता समझो, एक फ्रेम आ गया। और इधर उधर दो ईंट है, वो एक्चुअली उधर दो ईंट है, एक के ऊपर एक, सो वो एक ही दिख रहा। रोड के ऊपर ठहरे तो सिर्फ ग्लास ही दिख देता। ये जो है पांच स्तर ऊपर उठाया गया, ये बीम है, सो बीम प्लस वो पांच स्तर, टोटल ऑलमोस्ट 3 फीट बन रहा। सो 3 फीट में से बीच में जो है दो लाइट आ जाएगा वहाँ पर, एक यहाँ पर लाइट, यहाँ पर एक लाइट, और खूबसूरत बहुत अच्छा दिखता, उम्मीद है मेरे को। और यहाँ पर नेक्स्ट ये वाला जो है देखो, ये अपन पहले जब मैं सेपरेट टैंक बनवाया था, देखो सेपरेट टैंक बनाते समय क्या, नाली के ऊपर एक 2 फीट एक्सटेंशन लेगा, सो दैट नाली पूरा कवर हो गया सेपरेट टैंक के ऊपर। अब मैं आजू बाजू घर का दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए पूरा कवरअप हो गया। कवरअप होने की वजह से क्या होता है, जितना भी घर के जो चूहा, स्पेशली मैं रैट्स की बात करूँ, वो चूहा क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट अंदर घुस जाते हैं। एक्चुअली उनको जितना नाइट हो उतना खुश रहते चूहा। सो नाइट नहीं रहना, ये झिल्ली काकरोच जो भी, जिसको जितना अंधेरा रहा उतना वो खिलखिलाते हैं। तो उसकी वजह से पूरा फुल ओपनिंग रखा और स्टेप्स भी इस तरह से डाले गए, सो दैट घर के अंदर एंटर हो दिया आपको ये वाला नॉर्मल स्टेप। कई जगह पर रैंप हम बनाते हैं कार खड़ा करने के लिए, वो सब यूज़ नहीं होता है 100%, मेरे को उम्मीद है, इसीलिए अपन स्टेप्स बनाए, बीच में एक रैंप बनाया जाता है बाद में ईंट की मदद से, ठीक है। इस तरह से वो आ जाएगा। और अब देखिएगा इस तरह से, फ़िलहाल अब हमारा घर जो है इस तरह से दिखाई दे रहा है, ओके इस तरह से आपको दिखाई दे रहा। और ये वाला स्टेप से यल शेप में पूरा लिया। अब हम जलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन एंगल दूसरे एंगल से दिखाएं तो आपको मालूम होता है। ये वाला देख लीजिएगा, ये वाला जो है ऐसा फ्रेम बनाया गया, ये थोड़ा आगे है ऐसा है देखो, ये भी और ऊपर का ईंट जो है देखो, ईंट इसके ऊपर का जो ईंट रहता यही लेवल पे लिया गया, नीचे भी सेम इस लेवल पे ईंट लिया गया, मतलब बाल वो जो ग्लास है तो पीछे की तरफ आ रहा समझो, ठीक है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, जब सेप्टिक टैंक बनाए थे देखो, पूरा छत यहाँ तक है। सेप्टिक टैंक बनाने के बाद ये पूरा ऐसे एक्सटेंशन किया गया, ये 2 फीट आगे एक्सटेंशन किया गया। उससे क्या है, नीचे एक इंसान आराम से जा सकता, पाइपलाइनिंग कर सकता। और फर्स्ट चीज़ बताऊँ मैं, ये नाला पूरा भरेसो था, वो भरेसो नाले के अंदर मट्टी था सब, वो पूरा निकाला गया, ओके। निकालने के बाद ये पूरा इस तरह से एक्सटेंशन किया गया, ठीक है। एक ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को बताना बोल के मैं बोल रहा था। फिर उसके बाद दूसरा एंगल से देख लीजिएगा, इस तरह से आपको दिखाई देगा दूसरा एंगल से, ये पूरा फुल। और अभी मैं आपको ऊपर जाके भी दिखाऊंगा, ओके लेट्स सी। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये वाले भी अपन क्या करें, यहाँ पे भी सेम खुला रहेगा। फिर जितना भी जगह है देखो, उसके नीचे का जगह ये पूरा आर पार आप लोग जा सकते हैं अंदर देखिएगा। तो उसकी वजह से ये वाला स्टेप्स अपन स्पेशली ये वाला स्टेप्स डालेगा इस काम के लिए। अब यहाँ पर आता हमारा जगह, तो इधर एक
फाउंटेन टाइप में आ रहा है हर, देखेंगे वो मेरा एक आइडिया है, सक्सेस होता है नहीं एक बार थोड़ा सा चेक करना है बस। और डुप्लेक्स हाउस है ना तो राउंड स्टेप्स दिए गए, यहाँ से जो है थोड़ा सा फिलअप हो गया, ऊपर से लोहे का स्टेप्स आता और एकदम वास्तु के अनुसार लेना, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेना चाहते हैं, बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेप्स आ गए बोले तो और अच्छा ही है, सबसे बेस्ट है। एंड वहाँ से थोड़ा सा 9 इंच एक्सटेंशन किया गया, मतलब यहाँ पे एक लाइट आ जाता पूरा फुल ऐसा यल शेप में आ रहा। वो लाइट वेट ब्रिक्स भी मैं मंगाया हूँ खास कर उसके लिए, स्पेशली उसके लिए लाइट वेट ब्रिक्स इस तरह से आएगा यल शेप में पूरा ऊपर तक ऐसा यल आएगा, मस्त दिखता है। एंड ये वाला चीज़ थोड़ा सा एक्सटेंशन किया गया इसको भी, मैं आपको अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ। एलिवेशन करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और एडवांस में आप लोगों को थिंकिंग करना पड़ता, और घर भी देख लो उसी के साथ साथ, डुप्लेक्स हाउस है। और ये वाला जो ब्रिक्स है देखिएगा उसके ऊपर हम रखने वाले एलिवेशन के ऊपर, ठीक है। पूजा रूम, किचन है, यहाँ पे एक बेडरूम और ये ओपन हॉल। अगर आपके पास जगह ज़्यादा मिल रहा समझो, ये ओपन हॉल थोड़ा सा ज़्यादा रखे तो और बेटर ही छे समझो, पूरा फुल ऊपर तक खुला दिखता, बहुत खूबसूरत दिखता। और यहाँ से अपन चल रहे हैं ऊपर की तरफ, ये आ गए ऊपर। ऊपर आने के बाद आपको मालूम होता किस तरह से है बोल के, ये ऐसा खुला दिखता, बहुत ही खूबसूरत। अब देखो जो मैं बोल रहा था ना, ऊपर 2 ईंट है बोल को, ये 2 ईंट है एंड इसके ऊपर ग्लास फ्रेम लगाया समझो, आपको मालूम भी नहीं होता यहाँ पर ईंट से हम बनाए बोल के, थोड़ा हाइट इधर खुला रखा 1 फिट, इधर पॉट्स आ जाता है यहाँ पर 1, 2, 3, पूरा फुल खुला है, पॉट्स आ जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ पर एक छोटा सा बालकोनी आ रहा जो राउंड स्टेयरकेस मैं बोल रहा था, देखो इधर से ऐसा राउंड स्टेयरकेस आता, यहाँ पर भी सेम राउंड स्टेयरकेस आ जाता है। ओके, ये भी 5 स्तर लिया गया, ज़्यादा भी नहीं लेना, एक हिसाब से लिया गया समझो, ज़्यादा लेने से हमको ही दिक्कत हो सकता है। ओके, उसकी वजह से एक हिसाब से लिया गया। और बीच बीच में एक कबूतर, ये जाली लगाया गया प्लास्टिक का पीवीसी जाली, मैं अब आपको पूरा ऊपर दिखाऊंगा। लेट्स सी, ये भी वैसे ही एक बेडरूम है यहाँ पर, यहाँ पे बाथरूम आ रहा है, ये वाला बाथरूम है। एंड यहाँ पर भी देखिएगा इतना ये लेके फिर यहाँ पर ग्रिल वर्क आ जाता, थोड़ा सा हाइट लेके यहाँ पर ग्रिल वर्क लिया गया, 9 इंच का दीवार है, ये भी एक्सटेंशन किया है, एक फ्रेम में बताया था देखो। और वो वाला जो है, ये जो है ऐसा आ रहा है, ये वाला सेकेंड पोर्शन, ये इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे ही ये कंटिन्यू पिन है देखो, कंटिन्यू ये लेवल तक आके फिर एक्सटेंशन किया जाता। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड और भी इसी तरह से हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।